नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग की है और आपका प्रोडक्ट डैमेज है या फिर वहां से आपका दूसरा कोई प्रोडक्ट भेज दिया है तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग की है तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप नीचे देखेंगे कि अकाउंट का ऑप्शन आपको शो होता है, तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो होने लगते हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप रिटर्न करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो मुझे ये शूज़ रिटर्न करने हैं तो मैं इन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवर ये हो चुके हैं और ये डैमेज हैं, तो हमें इनको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको रिटर्न पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस रीजन से अपने इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपका जो भी रीजन है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी रीजन है कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कमेंट में लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन शो होता है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर रिफंड चाहते हैं। तो अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा लेने हैं तो यहाँ पर रिफंड चूज करेंगे, अगर आपको प्रोडक्ट को बदलना है तो यहाँ पर एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे, तो हमें रिफ़ंड लेना है तो हम रिफ़ंड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर पैसा लेना चाहते हैं आपका जो रिफ़ंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वैलेट और बैंक अकाउंट वीवा UPI और बैंक अकाउंट, तो आप जिस पर भी पैसा लेना चाहते हैं उसको ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर UPI पर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर UPI पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं गेट UPI ID का ऑप्शन सो होता है, तो आपको गेट UPI ID पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरी UPI ID आ चुकी है। अगर आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड ए न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डाल देना है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डाल देना है और जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम डाल देना है और उसका फ़ोन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो मुझे तो UPI पर ही लेना है, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं UPI मेरी यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाउ विल योर रिक्वेस्ट प्रोसीड, तो यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट का नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएटेड। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिटर्न का आपका स्टेटस है वो यहाँ पर शो होने लगता है, यहाँ पर आपकी रिटर्न अप्रूवल हो चुकी है। जब आपका रिफंड अप्रूवल हो जाएगा तो आपको ये एरो यहाँ पर शो होने लगेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिसंबर यहाँ पर बताया गया है कि 13 दिसंबर तक आपका रिफंड आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप रिटर्न कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल रिटर्न पर क्लिक करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।